लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ एक रसल स्क्वायर रेस के एक न्यू एपिसोड में, जहाँ पर होने जा रहा है एक मिक्स टीम टैग टीम मुकाबला, जहाँ पर एक तरफ है टीम पीडी और रिमी की और एक तरफ है एरियला एंड राहुल। और आपके सामने एक टीम में है एरियला, जैसे कि मैंने बताया, जिनका जिनको पहले जाना जाता था ब्लैक डायमंड के नाम से, और रिमी, इनको भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है रिंग में, बट आज देखना होगा कि इन दोनों टीम में से कौन उबर के आता है। और ये बहुत ही अच्छा एक रोल अप लिया है स्पीडी ने, और अभी इनको लेइंग हेडलॉक में रखा हुआ है बिल्कुल डाउन। स्पीडी इस मैच में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रेसलर हैं, और राहुल जो कि उनके साथ में अभी हेडलॉक में जकड़े हुए हैं, उनका भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पर खेल रहा है देखने को, और रिवर्स करके हेडलॉक में लेते हुए राहुल और दो पिचिंग करते हुए, और ये हाथों में अड़ाकर एक बार फिर से रोल करा के दूसरी साइड पर फेंक दिया है पीडी को, और अब सोच रहे हैं क्या मूव मारूं, और एक ज़बरदस्त स्टॉप मार दिया है। अब देखना होगा कि टीम में क्या तालमेल होती है अभी तक, क्योंकि पीटी जो है थोड़े से कंफ्यूज लगते हुए इस मैच के अंदर की कैच देना है ग्रेन, और ये फेंकते हुए राहुल को पुलिस की कॉर्नर में, और ये रिंग के बाहर फेंक दिया है राहुल ने पीटी को, और ये बहुत ही जबरदस्त शोल्डर थ्रस्ट मारा है पीटी ने, और मुझे लगता है कोई थर्ड रोड मूव करने वाले हैं, और ये एक सनसेट प्ले भी है थर्ड रोड के बाहर से, और राहुल ने लगता है टैग दे दिया है डायमंड की जगह की एरिया के नाम से भी जानी जाती है रिंग के अंदर। और इस मैच के जैसे रूल्स हैं, अगर एक टीम मेंबर ने किसी मेंबर को टैग दिया जो फीमेल है, तो दूसरे को भी अपने आप ही फीमेल मेंबर को टैग देना पड़ता है, और ये रिमी और पूजा लॉकअप के लिए आते हुए, बट लॉकअप लेने के लिए अभी तैयार नहीं लगती है एरियला, और दो बार डक कर दिया है इन्होंने, और मुझे लगता है कि मैच खेलने से बच रही हैं ये दोनों ही। अब जैसे कि डायमंड पूजा कर रही थी उसी को रिवर्स करके उन्होंने फ्रंट टेक डाउन बेस टेक डाउन ले लिया है रिमी ने, और अभी फ्रंट पे नॉकडाउन दिया हुआ है बहुत ही बेहतरीन तरीके से जकड़ा हुआ है। रेफरी चेक कर रहे हैं कि टैप कर रहे हैं, इतने में ही रिवर्सल कर दिया है डायमंड पूजा ने यहाँ पर, और हेडलॉक में पकड़ा हुआ है, और बहुत ही बढ़िया स्ट्राइक करा बैक के ऊपर, और अब ड्रॉप मार रहे हैं और एक किक, और अब देखना होगा कि ये मैच का अंत तो नहीं हो सकता, बट ये अपने फिनिशर डीडीटी के लिए जा रहे हैं, और ये बहुत ही मैच के शुरुआत के अंदर ही डीडीटी मार दी गई है। मुझे लगता है कि अभी इस मूव से मैच में जीतने देना इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि अभी मैच के अंदर सारे ही लोग बैठे हैं, और मैच बहुत ही स्लो गति पर चल रहा है, बट मुझे लगता है अभी टैग दे दिया है दिल्ली ने पीडी को, अब डायमंड पूजा को भी टैग देना पड़ेगा राहुल को, फिर से आ चुके हैं दोनों खिलाड़ी एक दिन के अंदर, और पीडी ने स्टेज में मुक्को की बहार कर दी है राहुल को, और ये रोड पर स्पिन करते हुए आज बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज लग रहे हैं पीडी की, क्या करें ना क्या करें, ऐसे मैच में कर गए हैं, और बहुत ही बढ़िया लेग सीजन हमारी है पीडी ने, और ये स्पिन करते हुए अभी डाउन रखा हुआ है राहुल को, शुरुआत से ही इन्होंने डोमिनेट करा है राहुल को, फिर से कॉर्नर में फेंकते हुए, अब देखना होगा क्या करते हैं। ओह बहुत ही जबरदस्त एक बैक एल्बो कॉर्नर में मार दिया, और ये स्टाइल ड्रॉप की जड़ी है चेस्ट पर राहुल के, पेन से कर रहा था राहुल, देखना होगा या तो किक आउट करते हुए दो से पहले ही, और मैच में फीमेल रेसलर बाहर मैच का आनंद लेते हुए अभी तो, क्योंकि उनकी अभी टर्न आई थी
क्योंकि फिर उन्होंने टैग लेके खत्म कर दी है और फिर से डोमिनेट करते हुए सीधी मैच के अंदर राहुल को। और अब लगता है वापसी हो गई है राहुल की मैच में बैक एल्बो के साथ और एक बहुत जबरदस्त पंच मारा है सीधी के छोबड़े पे और ये टैग दिलवाने की कोशिश करके अपने ही कॉर्नर में फेंक दिया है। बेजस्त कर रहे हैं ये कॉर्नर में जाते हुए एक फ्लैश दिया जो कि मुझे लगता नहीं बहुत जबरदस्त था और ये डायमंड सीजर रिम के अंदर आते हुए ये मैच के रूल नहीं है रेफरी को अभी स्टॉप करना चाहिए क्योंकि इस मैच के रूल है कि मेल मेल रेसलर के अलावा फीमेल फीमेल रेसलर के चीटिंग है बिल्कुल ही ये रूल के खिलाफ है रेफरी को मना करना चाहिए। और कॉर्नर में अभी थोड़ा बेइज्जत करते हुए सीडी को बैक एल्बो बैक एल्बो बैक एल्बो बैक एल्बो उलट चेहरे पर वार करके उनको मुझे लगता है कोई मूव देने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया बिग बुक डिलीवर कर दिया है राहुल ने और ये मुझे लगता था कि मैच का एंडिंग पॉइंट होगा बट किकआउट कर दिया सीडी ने क्योंकि सीडी अगर देखा जाए अभी भी मैच के अंदर काफ़ी ज़्यादा नहीं सुधे उन्होंने शुरू से ही डोमिनेट करा है राहुल को इस मैच के अंदर। मैच का रुख काफ़ी स्लो है इसलिए मुझे लगता है कि कोई सरप्राइजिंग टीम भी इस मैच से जीत पा सकती है दोनों टीम को। और ये रिवर्स करते हुए बहुत ही बढ़िया सुप्लेक्स और मुझे लगता है जैक की और जा रहे हैं जिनको टैग देना चाहते हैं और ये टैग दिया और राहुल ने भी डायमंड की जगह दिया। अब दोनों ही चीज़ें लेकर आ गई हैं और बॉडी जबरदस्त क्लोज लाइन डिलीवर कर रही है रिमी ने और अब बॉडी स्लैम के लिए उठाते हुए पूरी फुल पावर का दिखा रही है वो बहुत ही जबरदस्त एक बॉडी स्लैम दिया है। ओ एक जबरदस्त ड्रॉप की डायमंड पूजा को यहाँ पर गिराती हुई मैट के ऊपर और अब देखना होगा क्या। ओह बहुत ही खतरनाक स्पिनिंग नेक ब्रेकर डिलीवर करा है ये मैच का अंत हो सकता है बट राहुल जो कि डायमंड पूजा के पार्टनर हैं वो रिंग में आके रेफरी का ध्यान भटका रहे हैं और बिल्कुल ही भटका दिया पिन का तो नामो निशान ही नहीं रेफरी ने पिन नहीं लिया और ये चीप शॉट खेला है बाहर से राहुल ने मुक्का मारा है नाक के ऊपर रिमी के और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक मौका उठाते हुए डायमंड पूजा ने ट्रैप करके एक विक्ट्री हासिल कर ली अपनी टीम के नाम। अब आने वाले हफ्तों में हमें देखना होगा कि रिमी का मुकाबला डायमंड पूजा से वन ऑन वन होता है कि नहीं होता है और मोना जो कि दरअसल उसका एक वेटरन फीमेल रेसलर हैं क्या वो इनके साथ भिड़ती हैं कि नहीं भिड़ती। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब